हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू पराठा। तो आलू पराठा बनाने के लिए ये मैंने आधा केजी आटा लिया है। अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं। नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे घी। तो ये मैं घी डाल रही हूँ। और घी डालने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और पानी की हेल्प से गूँथेंगे। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। आप इसको बिल्कुल मिक्स होने तक, जब तक घी अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए तब तक आप इसको मिलाइएगा। और ये देखिए, मैं इस तरीके से इसमें इसको मिला रही हूँ, क्योंकि आलू के पराठे में आलू का डो किस तरीके से तैयार किया जाता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि डो जब तक हमारा ठीक नहीं होगा तब तक हमारे आलू के पराठे अच्छे से नहीं बनेंगे। तो इस देखिए, इस तरीके से पानी डालते हुए हल्का हल्का सा मैं इसको गूँथ रही हूँ। और इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें गूँथना है, ताकि ये जो आटा जो है, जो इसका डो बनेगा, वो एकदम अच्छे तरीके से बनना चाहिए और थोड़ा सा गीला होना चाहिए। जैसे हम रोटी का डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा हल्का सा गूँथें, गीला गूँथें, क्योंकि रोटी की जो है हम थोड़ा कड़क आटे की बनाते हैं, और जो अब हम पराठा बनाएंगे वो थोड़ा सा नरम आटे का बनाएंगे। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से गूँथते हुए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और पानी अपने हिसाब से मिक्स करें आप, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ना कम। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से इसको गूँथ लेती हूँ। और इस तरीके से मिला करके आप डो तैयार करेंगे, आपके आलू के पराठे बिल्कुल फटेंगे नहीं। और अब मेरा डो तैयार हो गया है। अब मैं इसको ढक करके रख दूँगी। हमको इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके रखना है। अब मैं इसको इस बर्तन की हेल्प से अच्छे से ढक दूँगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद हम इसको देखते हैं। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं आलू का, जो हम मसाला बनाएंगे पराठे में भरने के लिए वो। तो आधा किलो आटे के लिए मैंने 1 केजी आलू लिए हैं। अब मैं स्पून की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से तोड़ लूँगी, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बचें। ये पूरा अच्छे तरीके से मैश कर लेना है हमको। और हम जब हाथ से मैश करते हैं तो इतने अच्छे तरीके से मैश नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको स्पून की हेल्प से मैश कर रही हूँ मैं। और आलू जो है हमको हल्का सा सूखा हुआ सा ही बॉईल करना है, ज़्यादा उबालना नहीं है आलू को, वरना आलू हमारा गीला हो जाएगा और जो मसाला है हमारा गीला हो जाएगा और पराठा हमारा उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से मैं इसको तोड़ लेती हूँ। आप ध्यान दीजिएगा कि आलू जो है हमको गीला नहीं करना है। अब मैं इसमें जीरा डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च डालूँगी मैं इसमें। ये देखिए, लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया है। इसके बाद हम डालेंगे चाट मसाला, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें जो गार्लिक हमने ली थी कटी हुई लहसुन, अब उसको डालेंगे, 4 से 5 कलियाँ थी। और 2 बड़े प्याज थे जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च 3 से 4 थी, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता और कड़ी पत्ते। मैंने दोनों चीज़ को अच्छे से कट कर लिया है, कड़ी पत्ता और धनिया पत्ता को। और अब हम इसमें लास्ट डालेंगे जो कुटी हुई लाल मिर्च हमारी आती है सूखी वाली, वो। मैं फिर से बोलती हूँ, आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और अच्छे से इसको मिलाएंगे। अब इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। इसी तरीके से स्पून की हेल्प से आपको इसको अच्छे से मिला लेना है। तो अब मैं इसको इस तरीके से अच्छे से मिलाती हूँ। देखिए, डो हमारा कितना अच्छा स्पेशली बनकर तैयार हो रहा है, क्योंकि डो बिल्कुल हमको सूखा ही रखना है, क्योंकि पराठा बनाना है हमें। और इस तरीके से मिलाते हुए मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। ये देखिए, डो हमारा मिलने लगा है अच्छे तरीके से। ये देखिए, मसाला अच्छे तरीके से मिल गया है। और अब एक लास्ट सीक्रेट है, जो मेरा रेसिपी सीक्रेट है, ये मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो अब हम इसमें डालेंगे, देखिएगा, सबसे पहले ये देखिएगा कि ये जो डो है ये बिल्कुल सूखा बन रहा है हमारा, फिर भी ये बाद में प्याज जो है पानी छोड़ देगी, तो ये डो हमारा गीला हो जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे बेसन। ये देखिए, 2 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है। और आप बेसन डाल करके आलू का पराठा बनाइएगा, आपकी जो स्टफिंग है कभी बाहर नहीं आएगी। और यही मेरी इस वीडियो का सीक्रेट था। ये देखिए, अब इसको हम अच्छे तरीके से मिलाएंगे। थोड़ा टाइम इसमें लगता है, बट इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे। और आप इस तरीके से अपना मसाला जो है बनाइएगा, और बहुत अच्छे पराठे टेस्टी और यम्मी लगते हैं। और ये देखिए, अच्छे तरीके से यह मिल गया है। देखिए कितना अच्छा मसाला हमारा एकदम डो की तरह तैयार हो गया है। देखिए, अब मैं इसको लेकर के आपको बताती हूँ। ये देखिए, मेरे हाथ में ना ऑयल है ना कुछ है, देखिए बिल्कुल नहीं चिपका है। देखिए, इस तरीके से आपका जो मसाला है आप बना करके तैयार कर लीजिएगा। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं पराठे। ये देखिए, आटा 15 मिनट हो गया है हमारा।
और आटे को हम अच्छे तरीके से मल लेते हैं एक बार और, ताकि ये अच्छे से और जो है अच्छे तरीके से मिल जाए। और आटा देखिए कितना चिकना और नरम है हमारा। देखिए अब हम इसमें लोइयां तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं लोइयां तोड़ूंगी क्योंकि मैं पराठे बड़े साइज़ की बनाऊंगी, तो लोइयां बड़ी बड़ी लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी कर सकते हैं, जिसको जितना साइज़ जिसके घर में बनाते हो उस तरीके से आप बना सकते हैं। अब हम गैस ऑन कर देते हैं, इस पर रख देते हैं तवा, और तवा जब तक हमारा गर्म होता है तब तक हम पराठा बेलते हैं। तो ये देखिए अब मैंने लोई ले ली है, आप इस तरीके से इसको बनाइएगा लोई जिस तरीके से घर में रोटी के लिए बनाई जाती है। और अब हम इसको इस तरीके से बनाना स्टार्ट करेंगे, जिस तरीके से हम कचौड़ियाँ भरते हैं उसी तरीके से हमको इसको भरना है। तो देखिए इसमें आप थोड़ा सा आटा मैं डाल दूँगी, और आटा डालने के बाद इसको इस तरीके से हमें बनाते हुए एक कटोरी की तरह बना लेना है। और जो हमने लड्डू बना के रखे हैं, देखिए वो डो है उसके मैंने लड्डू बना लिए हैं लड्डू की तरह। और अब इसको ऊपर हम थोड़ा सा आटा और डाल देंगे, ताकि जो पराठा है हमारा वो चिपके नहीं और डो हमारा बाहर नहीं आए। ये देखिए मसाला हमारा बाहर नहीं आएगा। अब हमको इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से अभी जैसे हमने किया था कचौड़ियों की तरह, वैसे ही अब इसको अच्छे तरीके से ऐसे बनाना है। और इसको ज़्यादा बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इसको हाथ से भी बना सकते हैं। बट मैं चकोटी का यूज़ कर रही हूँ और मैंने आटा इस पर लगा लिया है, लगा लगा के इसको मैं बड़ा कर लूँगी इस तरीके से। और देखिए कितने अच्छे से ये गोल बन रही है, और अब हम इसको बेलेंगे। तो देखिए आपको हल्के हाथ से बेलना है। ये देखिए आराम से हमारा पराठा बड़ा हो रहा है, और देखिए कितने अच्छे तरीके से बेल रहा है और कितनी सफाई से गोलाई से बन रहा है। और देखिए इस तरीके से आप पराठा बनाएंगे तो आपके खाने वाले लोग तारीफ़ करते रह जाएंगे। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से बेल लिया है, हमको हल्के हाथों से ही इसको बेलना है। और देखिए मैंने इसमें बिल्कुल भी ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं किया है, आराम से आटा लगा के ही आपके सामने बेला है। और तवा हमारा गर्म हो गया, अब हम इसके ऊपर वो पराठा डाल देते हैं। देखिए अब इसको थोड़ी सी तेज़ आँच में हम इसको सिकने देते हैं, क्योंकि पराठा भारी होता है थोड़ी देर में सिकता है। तो अब हम थोड़ी देर में इसको अच्छे से सिकने देते हैं। देखिए अब इसको हम एक स्पेचुला की हेल्प से थोड़ा सा हिला देंगे। देखिए ऐसे छिरपला हमारे इधर इसको बोलते हैं, उसकी हेल्प से इसको ऐसे हिला देंगे। अब आप इसके ऊपर घी या रिफाइंड डाल सकती हैं, मैं यहाँ पर रिफाइंड का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकती हैं। मैंने इसको पलट दिया है, अब हम इसके ऊपर रिफाइंड लगाएंगे। और फ्लेम को देखिए मैंने फुल ही रखा है, और अब हम इसके ऊपर रिफाइंड लगाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए इसके ऊपर मैंने रिफाइंड लगा दिया है, और दबाते हुए अब इसको अच्छी तरीके से हम सेक लेंगे। फुल आंच में ही देखिए चल रहा है, और मैं इसको पलट देती हूँ और इस तरफ भी। ये देखिए पराठा मेरा फूलने लगा है, देखिए कितने अच्छे से फूल गया है पराठा। अब हम इसके ऊपर भी घी लगा दें, रिफाइंड लगा देंगे। आप घी का यूज़ भी कर सकती हैं, बटर का यूज़ भी कर सकती हैं, बट मैं यहाँ पर रिफाइंड का यूज़ कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लाजवाब पराठा हमारा रेस्टोरेंट की तरह बन करके तैयार है। और ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है पराठा हमारा, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगा है ये। ये देखिए इस तरीके से आराम से हमको इसको अच्छे तरीके से सेक लेना है। और ये देखिए बच्चों के लंच में, टिफ़िन में, किसी भी चीज़ में, या कभी सुबह ब्रेकफास्ट में, किसी भी टाइम आप इसको खा सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए पराठा हमारा कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसी तरीके से इसको मैं आराम से सेक लेती हूँ। देखिए पराठा हमारा अच्छे तरीके से सिक गया है। देखिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए प्लेट में मैंने निकाल लिया है इसको। अब हम इसी तरीके से दूसरा पराठा हमारा बना लेते हैं। ये देखिए लोई मैंने उठा ली है, इसी तरीके से हम दूसरा पराठा हमारा बना लेंगे। इसमें भी हम आटा लगाएंगे, और आटा लगाने के बाद इसमें भी एक लड्डू रखेंगे जो हमारे मसाले का बनाया है वो। और इसको और अच्छे तरीके से ऐसे करते हुए, और इसको कचौड़ियों की तरह बिल्कुल बंद कर देंगे। बंद करने में आप ध्यान रखें कि आटा जो है, जो मसाला जो है वो आटे के साथ में नहीं आना चाहिए, वरना इसका जो है जोड़ जो है खुलने लगता है। और अब हम इसको फिर से इसी तरीके से अच्छे से गोल गोल करेंगे। देखिए इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको गोल गोल करेंगे।
और देखिए कितना बड़ा हो गया है हाथ में, और कितने अच्छे तरीके से ये बन रहा है और कितनी सफाई से बन रहे हैं। इस तरीके से जब हम बनाते हैं ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। और आपके जो पराठे की कंप्लेन होती है कि एक पराठा हमारा खुल जाता है या हमारा जो मसाला है बाहर निकलता है, तो इस तरीके से आप बनाइए, कभी बाहर नहीं निकलेगा मसाला। और ये देखिए ये वाला भी मेरा अच्छे तरीके से मैंने बेल लिया है, और देखिए कितना अच्छा बना है। ये देखिए ये भी अच्छे तरीके से बिल गया है। अब हम इसको सेकते हैं, उसी तरीके से हमें इसको सेकना है। देखिए अब मैं इसको डाल दूँगी। अब हम इसके ऊपर उसी तरीके से रिफाइंड लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से सेकेंगे। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। और देखिए सीखने लगा है। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरीके से, ताकि मैं आपको नई नई रेसिपीज़ जो हैं आराम से आसानी से बता सकूं बनाना। और ये देखिए इस तरीके से अब हम इसको सेक लेंगे मंदी आंच में। देखिए पराठा हमारा कितना अच्छे तरीके से सिक रहा है। और ये देखिए इसी तरीके से दबाते हुए आप इसको सेक लें। और मैंने ऑयल का यूज़ जो है कम किया है, आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, ऑयल का यूज कम कीजिएगा। देखिए हमारा पराठा जो है ये भी सिक करके अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। आप इस तरीके से पराठा बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पराठा हमारा किस तरीके से बना है और कैसे लगे आपके पराठे, और किस किस ने आपकी तारीफ़ की बताना ना भूलिएगा। ये देखिएगा आप इसको सब्जी नींबू और नींबू का अचार या अचार के साथ में ले सकते हैं। ये देखिए मैंने भिंडी की सूखी सब्ज़ी बनाई है, आलू भिंडी की, और नींबू का अचार है। और ये देखिए थाली मेरी कितनी अच्छी दिख रही है, और बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। देखिए मैं तोड़ करके आपको बताती हूँ नरम कितने बने हैं पराठे हमारे, और ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। और ये देखिए लीजिए और खाइए। थैंक यू। इस तरीके से बनाइएगा और खाइएगा। बाय।